नमस्कार, इटू नाउ स्वदेश पे आपका अगले हफ्ते की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनगिरी और मैं अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते के लिए भारतीय बाजारों के लिए क्या ट्रिगर है, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इस हफ्ते बहुत कोशिश की गई लेकिन बाजार की तरफ से, लेकिन उसने रिकॉर्ड हाई को नहीं छुआ, कह सकते कि रिकॉर्ड के से थोड़ा सा दूर है। और हफ्ते के आखिरी कार्रवाई दिन हमने देखा बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो अगले आधे घंटे में अपने जानकारों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगले हफ्ते भारतीय बाजारों में एक जोरदार रैली देखने को मिल सकती है, क्या अगले हफ्ते बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई को पार करता है तो क्या 19,000 की तरफ अब जो है रास्ता खुलता हुआ दिखेगा और बाजार में और रफ्तार देखने को मिलेगी। कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो अगले हफ्ते अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते एक ट्रेंड देखने को मिला है कि मिड कैप और लार्ज कैप स्मॉल कैप शेयर में तो अच्छी खरीदारी है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में जिसमें बहुत दिनों से तेजी नहीं थी वापस से खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी का रिटर्न इस हफ्ते एक अच्छा खासा देखने को मिला, करीब 1.5% का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न देखिए, इस हफ्ते करीब करीब 3% के आसपास दोनों इंडेक्स में उछाल देखने को मिला। और इस हफ्ते कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक थे जिसमें 20 से लेकर 25% तक का रिटर्न देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स ने इस हफ्ते काफ़ी आउट परफॉर्म किया। इसके अलावा मेटल, FMCG और फार्मा जैसे इंडेक्स थे जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिला। हालांकि इस हफ्ते कह सकते हैं कि बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं देखने को मिला, लेकिन एनर्जी में देखिए वहाँ भी मजबूती थी। IT इस हफ्ते हमने देखा कि इंफोसिस की वजह से थोड़ी मजबूती देखने को मिली। कुछ और मिड कैप IT स्टॉक्स थे जो चलते हुए देखे इस हफ्ते। और अच्छी बात है कि इस हफ्ते कई सारे छोटे मझोले IT स्टॉक्स देखे, खासतौर पर वहाँ एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला, वो एक बतौर पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर देखा। ऑटो में देखिए, तो हीरो मोटर कप जैसे जो है ऑल 52 हाई पे ट्रेड करें तो वहां से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। इस हफ्ते के कुछ अगर शेयर्स बात करें निफ्टी में जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती थी। निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर इस हफ्ते थोड़ा दबाव देखने को मिला, विप्रो, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कप, ऐसा मोटर जैसे स्टॉक से जहां थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखा। हालांकि बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉप का अगर पिछले 1-1.5 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो एक शानदार तेजी देखने को मिले। लेकिन जैसा कि शो के शुरू में मैंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म कर रहे थे बाजार को। टालना सॉल्यूशंस, कल्याण ज्वेलर्स, फैक्ट, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 18 से लेकर 20% तक की मजबूती देखने को मिली। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखिए, HAG, पॉलीजी, पॉली मेडिक्योर, मचगांव डॉक, अल्ट्रा ग्रीन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। इस हफ्ते कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि बाजार में जो भी रफ्तार आया और एक ट्रेंड देखने को मिला कि निफ्टी में आप देखिए कि अगर वो एक दिन गिरावट देखने को मिले या मुनाफा वसूली देखने को मिले, जैसा कि हमने थर्सडे के सत्र में देखा, एक्सपायरी का दबाव बाजार में थोड़ा दबाव बना, लेकिन अगले दिन की तेजी उससे ज्यादा मजबूती हुई। यानी कि बाजार कह सकते हैं कि एक कदम पीछे आ रहा है तो वो 3 कदम आगे बढ़ रहा है और ये संकेत दे रहा है कि नहीं, अभी भी मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है और बाजार और अच्छी मजबूती दिखा सकता है। अब हमारे दोनों जानकार जुड़ चुके हैं, के कुणाल च्वाइस ब्रोकिंग से जुड़ चुके हैं और धोनी पटेल जुड़ चुके हैं। इन दोनों से समझते हैं कि बाजार अगर यहाँ से चलेगा तो अगले हफ्ते बाजार का क्या रेंज होता हुआ दिखेगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि समय से पहले तैयारी करना ही सबसे अच्छा कहलाता है। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे, शुक्रिया IT नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। हमने देखा कि निफ्टी अब रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर आज बाजार आधा घंटा और खुला होता तो इस बात की संभावना थी कि निफ्टी जो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाता। आज तो नहीं हुआ, मंडे हो सकता है कि अच्छे संकेत आए अगर रात को डाउ से, तो मंडे को अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी और फिर बाजार जो है नई हाई की तरफ जाएगा। उसके बाद बाजार अगले हफ्ते के लिए क्या दिख रहा है आपको? इवनिंग मनीष, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड की रैली देखने को मिली है। जो ट्रेंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मार्केट का बना हुआ है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा, निफ्टी को 18,800 के पास जो यहाँ पे एक कॉल्स का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वहाँ पे कॉल्स में बना हुआ है। 19,000 की भी अगर कॉल ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो वहां पे भी प्रेशर बना हुआ है। तो निफ्टी ओवरऑल यहाँ पे अगर देखने जाए तो एक थोड़ा सा RSI के साथ भी यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, क्योंकि RSI को भी अगर हम डेली पे देखते हैं तो RSI हायर हाई बनाने में यहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स को लेके एक कॉशियस व्यू बनता है। डेफिनेटली हमें बुलिश साइड के मूव्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे लेवल स्पेसिफिक और जो आपके स्टॉप लॉसेस है उनको ट्रेल करते हुए काम करना रहेगा। कोई भी एक वन साइडेड बुलिश ट्रेंड यहाँ पे अभी भी अगले हफ्ते के लिए भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं देखने मिल रहा है। निफ्टी पे आप ऊपर की तरफ में ध्यान रखिए कि जब आप ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो आप
अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए। अभी फिलहाल की जो लॉन्ग पोजीशंस रहेगी तो उनके लिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बनता है तो आपको 18,750 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। बैंक निफ्टी अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी के सामने मोमेंटम जो है वो कम दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा एक थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। बैंक लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा तो 44,000 का लेवल है जिसे हमने आज ब्रीच करने की भी कोशिश करी पर उसके ऊपर हम यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए हैं। तो 44,000 का लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखना रहेगा। उसी लेवल के क्रॉस करने के बाद भी एक बुलिश साइड की पोजीशंस जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनाई जाए। नीचे की तरफ में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में उसे अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो ट्रेल करके 43,370 पे रखना रहेगा। तो ये राय आते हुए धोनी पटेल की तरफ से कि ठीक है, तेज़ी देखने को मिलेगी, तेज़ी के साथ आप बढ़िए भी, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क नज़रिया इसमें रखने की ज़रूरत है। उन्होंने जो निफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस दिया है, उनका मानना है कि 1,800 का आप स्टॉप लॉस लगाए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जैसे ही बाजार पहुँचता है तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा सकते हो और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कुणाल, क्या राय होगी आपके इतना सदस्य को समय देने के लिए? आपका भी शुक्रिया। आपको लगता है कि धोनी की तरह कि अगले हफ्ते जो है बाजार में थोड़ा आपको सतर्क नज़रिया रखना होगा, या आपको लगता है कि नहीं, तेजी तो बनेगी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी और आगे चलेगी? मनीष जी, आपने जो लास्ट में कहा कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तेजी कंटिन्यू रहेगी, तो मेरा जो अभी व्यू है वो वही बनेगा कि तेजी अभी आगे और भी मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल पिक्चर इस लेवल पे देखने जाए एंड लार्ज कैप काउंटर्स ने जिस हिसाब से सपोर्ट किया है, पर्टिकुलरली रिलायंस पिछले 2-3 दिन से जिस हिसाब से मोमेंटम दे रहा है, मुझे लग रहा है कि में हमें अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है। एंड कल का जो गिरावट था, कल के गिरावट के बाद आज जो रिकवरी आई है, यानी कहीं ना कहीं एक वन कैन से के जो मोमेंटम है वो अभी भी बरकरार है, और कल की जो गिरावट थी वो एक एक्सपायरी इवेंट थी, लेकिन आज के दिन में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। नाउ रिसेंट डेज का जो हाई है 18,777, उसका भी क्लोज उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी ऑल टाइम हाई जो है वो 18,890 के पास है। मुझे लग रहा है कि मंडे को ही ये हाई निफ्टी बना सकता है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है मनीष जी 21,000 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में हमें निफ्टी दिखा सकती है। तो जो व्यू बन रहा है निफ्टी के लिए वो पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है मेरी ओर से। नाउ बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी लेवल इस लेवल पे देखने जाए तो 43,900 के अराउंड का क्लोजिंग रहा है। तो बैंक निफ्टी पिछले लगातार 2-3-4 हफ्ते से देखने जाए तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे 43,400 और ऊपर के लेवल की बात करें तो 44,500, तो इसी लेवल के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन मनीष जी, मैं यहाँ पे इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये रेंज 44,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और उस ब्रेकआउट के बेस पे कहीं ना कहीं हमें ऊपर में देखने जाए तो 46,000 प्लस के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि पार्टी अभी भी कंटिन्यू रहेगी आने वाले हफ्ते में भी। पार्टी अभी भी जारी रहेगी, और अगर कुणाल कह रहे हैं कि पार्टी जारी रहेगी, तो पार्टी के हीरो कौन हो गया, किसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते? एक शेयर की आपने बात की कुणाल, उसी के साथ मैं शुरुआत करूँगा। अगर शेयरों की बात करूँ तो रिलायंस की आपने बात की है, रिलायंस एक ऐसा शेयर था जो नहीं चल रहा था, और हर जानकारी ये कह रहे थे कि रिलायंस चलेगा तो बाजार चलेगा, और रिलायंस में देखिए बीते 2-3 सत्रों से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, खासतौर पर इस हफ्ते देखिए करीब 3% की मजबूती देखने को मिली है। रिलायंस में अगले हफ्ते के लिए क्या आपको टारगेट लग रहा है, और किसी ने अगर इस हफ्ते खरीदारी की है, क्या आपको लगता है कि ऐसा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहां से हो सकता है कि अगर गिरे तो गिर सकता है, वरना तेजी का एक टारगेट बताइए अगले हफ्ते के लिए? गिरने के चांसेस बहुत कम है मनीष जी इस लेवल पे, अगर गिरा तो नीचे में 2520 तक ही आ सकता है। नाउ अगर मैं थोड़े लंबी अवधि के लिए बात करूं, ऑलरेडी काउंटर ने परसों ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है, एंड जब भी ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है नॉर्मली 80-84% की प्रोबेबिलिटी रहती है कि स्टॉक ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। ओके, नाउ लेवल की अगर मैं बात करूं तो पहला इमीडिएट लेवल 2640 का आएगा, जैसे ही 2640 क्रॉस होगा ऊपर में 2760 तक के भी लेवल हमें रिलायंस दिखाने में सक्षम है। तो व्यू उन लोगों के लिए ही बनेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, क्योंकि अगर मैं इस लेवल पे पोजीशन बना के चलता हूँ तो लोअर लेवल पे जो मेरा एसएल आएगा मनीष जी वो है 2440 का। सो रिस्क रिवॉर्ड इतना परफेक्ट नहीं रहेगा जो नई खरीदारी करेगी इस लेवल पे, सो उनके लिए व्यू यही रहेगा जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड करके रखिए,
2640 वो ब्रेक होता है तो 2750 तक के भी रिलायंस में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसका लेवल पार होता है तो 2750 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ध्वनि, हमने देखा कि रिलायंस परफॉर्म करना शुरू कर चुका है, लेकिन दो स्टॉक्स जो परफॉर्म बाजार को जो है कह सकते हैं कि ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहे हैं और लगातार ये चर्चा हो रही है बार बार कि ये शेयर नहीं चलेंगे तो बाजार कैसे चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस और HDFC बैंक। IT इंडेक्स में देखिए, इन्फोसिस में एक दिन तेजी आती है, फिर दो दिन दबाव देखने को मिलता है, एक ईयर रेंज में फंस जाता है। कमोबेश यही ट्रेंड HDFC बैंक में बनता हुआ दिखा है। अब अगर ये दोनों शेयर नहीं चलेंगे, इसके बावजूद आपको लगता है कि बाजार चलेगा या आपको लगता है कि नहीं, अब रैली शुरू हो चुकी है, अब निफ्टी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आखिरी चरण में HDFC बैंक और इन्फोसिस बाजार को एक मजबूती दे, आगे की तरफ खींच के ले जाए। यहाँ पे मनीष जी, अगर हम ट्रेंड स्पेसिफिक बात करते हैं तो दोनों ही स्टॉक के जो ट्रेंड है यहाँ पे, तो सबसे पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस ने एक गैप डाउन हमें दिया था, तो इन्फोसिस वही अपवर्ड चैनल बना के वो गैप फिल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हमें यहाँ पे इन्फोसिस में देखने मिल रहे हैं, तो 1370 का लेवल है जहाँ पे इस गैप का क्लोजर होता है, तो वहां तक हमें एक मोमेंटम अपवर्ड डेफिनेटली इसके अंदर देखने मिलेगा। बट वही मेरा कहना रहेगा कि इसके अंदर भी जो आपको अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा तो बहुत ही स्लो मोमेंटम है। स्टॉक ने डेफिनेटली एक अपवर्ड राइजिंग चैनल यहाँ पे बनाई है। नीचे की तरफ जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो आप 1275 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन बनाए रख सकते हैं। जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, तो HDFC बैंक में भी हमने एक साइडवेज फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। वन साइडेड ट्रेंड जो यहाँ पे है वो मिसिंग है। ओवरऑल स्टॉक का अगर डेली फॉर्मेशन देखते हैं तो डेलीज पे स्टॉक ने अपनी जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां से एक आज के दिन में बाउंस दिया है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी डेफिनेटली यहाँ पे हमें विटनेस करने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ में 1625 का लेवल है, उसके बाद इसके अंदर फर्दर एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो लेवल वॉच आउट करना रहेगा HDFC बैंक में, तो 1625 का रहेगा। तो 1625 अगर पार करता है तो फिर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है HDFC बैंक में। इस हफ्ते एक शेयर और देखिए, मेटल में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही थी, कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर आए, कुणाल चाइना से कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर आए, उसका असर देखने को मिला। कुछ और अच्छे ट्रिगर्स हैं कह सकते हैं, कुछ खबरें ऐसे हैं जिसका असर जो हमने देखा है मेटल शेयर पर देखने को मिला। खासतौर पर आप देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 3% की मजबूती देखने के लिए। एक शेयर है टाटा स्टील, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा क्या टाटा स्टील में आपको लगता है कि अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करनी चाहिए, या इसके अलावा कोई आपको लगता है मिड कैप या स्मॉल कैप में कोई मेटल शेयर जिसपे दाव लगाना चाहिए? वेल मनीष जी, सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम टाटा स्टील में हमें देखने को मिली है, 114 का ब्रेकआउट, 114 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 111 112 का हमें स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्रेजेंट लेवल से अगर मैं बात करूं ऊपर में 117, और वो जैसे ही ब्रेक होगा लाइकली चांसेस से 124 तक के भी लेवल हमें टाटा स्टील में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील में तो अच्छी खासी मोमेंटम है ही है। एक और स्टॉक है जहां पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल एक बॉटम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा लेवल, एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनाया है। स्टॉक का नाम है वेदांता। नाउ स्टॉक अभी 280 पे चल रहा है, 268 का काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वेदांता में 300 जैसे ही क्रॉस होगा 320 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो टाटा स्टील VEDL दोनों में फिलहाल इस लेवल पे मुझे लग रहा है कि पोजीशन लॉन्ग करके चलना चाहिए। अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील पे कुणाल की राय है कि अभी और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक शेयर उन्होंने और रिकमेंड किया, उनको लगता है वेदांता में भी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, उस पर भी अगले हफ्ते नज़र बना के चल सकते हैं। ध्वनि, दो स्टॉक्स पर चर्चा करना चाहूँगा मैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटर कप, इसके बाद मैं छोटे मोटे स्टॉक्स पर चर्चा करूँगा। ये दोनों ऐसे स्टॉक्स थे जो देखिए अगले एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे, इस हफ्ते थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके पहले लगातार अब देखिए एक अच्छी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो आगे के लिए जो ये कंपनियां आउटलुक दे रही हैं, कमेंट्री दे रही हैं, वो काफ़ी अच्छे दे रही हैं, नए नए लॉन्चेज हो रहे हैं। क्या इस हफ्ते, चूंकि इन शेयरों में गिरावट आ चुकी है, तो अगले हफ्ते के लिए बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में एक मजबूती दिखती है आपको? जी बिल्कुल मनीष, यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड सजेस्टिव है तो ट्रेंड तो दोनों का ही बुलिश साइड का बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बजाज ऑटो को हम यहाँ पे लेते हैं, तो बजाज ऑटो के अंदर एक अपवर्ड प्राइसिंग यहाँ पे चैनल बनी हुई है। ओवरऑल वीकलीज पे भी अगर हम देखते हैं तो वीकलीज पे भी इसकी जो RSI है वो
अपवर्ड तरफ का यहाँ पे एक मूव दे रही है, बट हमें डेफिनेटली इसके अंदर जो एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है मॉम, उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक कॉशियस के साथ यहाँ पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए इसके अंदर। आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी एक डिप मिल रही है जहाँ पे स्टॉक अपना 4550 के पास सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से आप बजाज ऑटो के अंदर वापस से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में रहेगा तो 4470 के नीचे इस स्टॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है, बट जब तक आपको यहाँ पे डिप मिल रही है तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ बजाज ऑटो के अंदर काम कर सकते हैं। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प में जो यहाँ पे ओवरऑल शॉर्ट साइड के इंडिकेटर्स है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ में 3000 की जो कॉल ऑप्शंस में उसके अंदर भारी एक राइटिंग हो रखी है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक हमें 3000 का लेवल इसके अंदर क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है तो आपको हीरो मोटोकॉर्प में कोई भी एक लॉन्ग साइड की पोजिशंस नहीं लेनी चाहिए। नीचे की तरफ की यहाँ पे जो लेवल मिलते हैं तो 2700 तक की एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये राय आते हो, बजाज ऑटो एक शेयर है जो धोनी को पसंद है, उनको लगता है गिरावट आती है, तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अब कुछ मिड कैप स्टॉक देखिए जिसकी मैंने चर्चा की थोड़ी देर पहले, टालना सॉल्यूशन करीब इस हफ्ते करीब इस शेयर में जो है 19% की मजबूती देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स वहाँ करीब 19% की मजबूती देखने को मिली। ये कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कह सकते हैं कि बाजार के हीरो रहे इस हफ्ते, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। टालना, कल्याण, फैक्ट और करूर वैश्या बैंक, चार स्टॉक्स की मैंने बात की। कुणाल, इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है क्या जिसमें अगले हफ्ते के लिए दाव लगाना चाहिए? अगर तीनों और अगर चार चार स्टॉक की बात करें तो कनला ने तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दे दी है। वन वे स्टॉक 500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वन वे ऊपर में 1000 के ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले हैं। लाइकली चांसेस है कि तनला में तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन सामने अगर मैं करूँ वैसा बैंक की बात करूँ तो वीकली चार्ट पे स्टॉक ने 115 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। मनीष जी, यहाँ पे नई खरीदारी तो मैं करूँ वैसा बैंक में करने की सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है इनके लिए मेरा व्यू जरूर से बनेगा। 127 के राउंड का क्लोजिंग है, ऊपर में 151 151 जैसे ही क्रॉस करेगा 160 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और ये तो मैं मिनिमम मोमेंटम की बात कर रहा हूँ क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर काफी कन्विंसिंग लग रहा है एक अच्छी खासी मोमेंटम के लिए। तो करूर वर्षा में जो पोजीशन बनाई है उसको मैं कहूंगा कि कैरी फॉरवर्ड करके चले, 160 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वैसे बैंक होगा एक शेयर जिसपे कि नज़र बना के रखने की सलाह दे रहे हैं कुणाल, इनको लगता है 160 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। अब एक शेयर देखिए धोनी, अशोक लेलैंड, पिछले 5-7 सत्रों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज जब ऑटो में कई सारे स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसमें ये एक ऐसा शेयर था जिसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 8% की मजबूती पिछले 7 दिनों में देखने को मिली है। पहले भी हमने देखा था इसी लेवल के आसपास जो 170-172 का जोन था, वहाँ से शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक लंबे रेंज में फंसा रहा, अब वापस से रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। क्या अगले हफ्ते के लिए अशोक लैंड में आपको कुछ तेजी और? जी बिल्कुल मनीष, यहाँ पे ओवरऑल अशोक लेलैंड का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो नॉट ओनली अभी बट इसके आप पास्ट में भी हमने देखा है कि जहाँ पे 170 का लेवल है जहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली है, तो 2 बार ऐसे हो चुका है इसी पर्टिकुलर स्टॉक में जहाँ पे इसी लेवल्स के पास से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओवरऑल यहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा का मैं सहारा लेना चाहूंगी क्योंकि ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा में अगर हम देखते हैं तो 15% का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है आज की सेशन में, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइड की न्यूज है। जिनके पास ऑलरेडी पोजिशंस है वो उसे होल्ड करके रखिए। आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो आप इसके अंदर ऊपर यहाँ पे 157 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जिनको फ्रेश पोजिशन बनानी है उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप 170 का लेवल जो है वो एक क्रूशल लेवल यहाँ पे बनता है, उसको ब्रेक होने दीजिए। जैसे ही 170 के ऊपर ये स्टॉक चलता है फिर इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो 170 के ऊपर अगले हफ्ते के लिए जो है नजर बना कर रखें, 170 के ऊपर अगर शो क्लियर जाता है तो आप इसमें खरीदारी चल सकते हैं, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कई सारे हमने शेयर की चर्चा की है, कई सारे और शेयर की चर्चा होगी, लेकिन कहा जाए कि अगर शेयर बाजार पे सोना चांदी की तेजी का असर नहीं होता है तो ये गलत होगा, क्योंकि हम कई सारे स्टॉक्स देखते हैं जिस पर सीधे तौर पे सोने चांदी का असर होता है। और अब कई लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोने चांदी को देखते हैं और सस्ता सोना अगर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए की स्कीम ला रही है। ये स्कीम सोमवार को खुलेगी, इसमें कैसे खरीद सकते हैं, क्या स्कीम की खासियत है, ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ जो है विश्वमोहन जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, क्या खास है इसमें?
बिल्कुल सही कहा आपने, सस्ता खरीद सोना खरीदने के लिए और जो खूबियां हैं गोल्ड बॉन्ड के वजह से, और यही वजह है कि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखने को मिलती है और काफ़ी कई महीनों के बाद गोल्ड बॉन्ड वापस से आ रहा है। 19 से 23 जून तक ये इशू खुला रहेगा, आपके लिए गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप मिनिमम 1 ग्राम की भी यहाँ पे खरीद कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 किलो तक इसकी खरीदारी की जा सकती है। हालांकि ट्रस्ट के लिए ऊपरी सीमा 20 किलोग्राम है, इंडिविजुअल अगर आप हैं तो 4 किलोग्राम अधिकतम गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है, गोल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। साथ ही स्टोरेज कॉस्ट की कोई चिंता नहीं है गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि डिजिटल गोल्ड है, डिजिटली आपको सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। और साथ ही आपको स्टोरेज कॉस्ट के अलावा यहां पर आपको 3% का GST भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% का GST भी लगता है। 5 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, अगर 8 साल तक रुकते हैं तो आपको कोई टैक्स का भी झंझट नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जल्द निकलना चाहते हैं तो अगर आप जिस सीरीज के गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं उसकी ट्रेडिंग डीमैट फॉर्म में अगर आप गोल्ड बॉन्ड को ले लें और उसमें ट्रेडिंग के लिहाज से उसे रखें और जब वो लिक्विड हो जाए तो कभी भी मार्केट प्राइस पर निकल सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस पर प्राइस का फायदा, अगर प्राइस नहीं भी बढ़ रहा है तो कम से कम 2.5% का ब्याज सेविंग के बराबर तो आपको मिल ही रहा है। ये खूबी है गोल्ड बॉन्ड की और भारत सरकार की गारंटी है, क्योंकि RBI की तरफ से इसे जारी किया जाता है। इस वजह से ही गोल्ड बॉन्ड को लेकर लोगों का काफी इंतजार रहता है। और आखिरी के जब इशू जिस दिन खुलता है उससे पहले तीन कारोबारी दिन का जो औसत भाव होता है उसके आधार पर गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस तय होता है। शुक्रिया बिश्वमोहन ये तमाम जानकारी देने के लिए। एक शेयर और भी जो गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनी है, टाइटन की बात करूंगा मैं कुणाल। ये एक ऐसा शेयर है जिसने लॉन्ग टर्म में देखे अच्छी मजबूती दिखाई, लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है, आज भी हमने देखा है कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए टाइटन में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीते अगर एक हफ्ते में देखे शेयर में कोई तेजी नहीं थी और तेजी की शुरुआत कह सकते हैं कि इस हफ्ते जो भी गेन हुआ है आज ही हुआ है। काफी अच्छी मोमेंटम टाइटन में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक ने ऑलरेडी देखने जाए ना वीकली पे तो 2840 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। वीक ऑन वीक चार्ट पे देखने जाए तो ये तीसरा वीक है कि स्टॉक जो राइजिंग वेज फॉर्मेशन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करता हूँ, अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूँ कि क्या लेवल हमें आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं मनीष जी, तो पहला लेवल जो स्टॉक हमें दिखा सकता है मनीष जी वो है तकरीबन 3230 का, 3230 का पहला लेवल है जो एज ए टारगेट स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड अगर वो भी क्रॉस होता है तो स्काई हैज नो लिमिट, ये तर्ज पे 3800 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो व्यू इस लेवल पे पॉजिटिव साइड का ही है, अगर इस लेवल पे खरीदारी करके चलना है तो इस लेवल पे हम खरीदारी करके भी चल सकते हैं। लोअर लेवल पे मनीष जी हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो है 2800 का। तो टाइटन पे ये रहा है कि शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं, अगले हफ्ते में शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन अगले हफ्ते का एक बड़ा ट्रिगर और है, प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका के दौरे पे होंगे और इस दौरान वो अमेरिका में कई सारे बड़े करार होने की उम्मीद जताई जा रही है। कौन कौन से करार होंगे, कुछ ऐसे स्टॉक जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, बात करने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित सबसे पहले बताइए अगले हफ्ते जो पीएम मोदी का दौरा है, ये दौरे में क्या मुलाकात होने वाली है, कौन कौन से बड़े करार भारत और अमेरिका के बीच होने वाले हैं? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते US की यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन होगा CEOs के साथ में, CEOs यानी कि बड़े 20 बिजनेस लीडर्स जो वहाँ पर आएंगे, ये होंगे अलग अलग क्षेत्रों से जिसमें FMCG, IT, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। बड़े नाम जो हम सुनने में आ रहे हैं वो शांतनु नारायण जो भारतीय ओरिजिन के हैं, CEO अडोबी के हैं, जूली स्वीट एक्सेंचर की हैं, रायन मैकना ने वीज़ा की हैं और जेम्स क्विंसी कोका कोला के CEO हैं। तो ये सब मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत के जो हैं और बातचीत इस पर होगी कि कैसे निवेश बढ़ाया जाए, निवेश किन किन क्षेत्रों में लाया जाए, कैसे निवेश की राह और आसान हो जाए भारत में। इसके अलावा एक बड़ी डील होगी GE जनरल इलेक्ट्रिक जो US की कंपनी है और भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच, ये दो कंपनियां करार करने वाली हैं जेट इंजन को लेकर और उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर। ये जेट इंजन जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का है उसको उसमें इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत बड़ी डील होगी। सो सबसे बड़ा ये मुद्दा है। नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है अगले हफ्ते जो मीटिंग है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की US में, उस समय ये सब शामिल होगा, बिजनेस लीडर्स होंगे और ये डील भी होगी।
शुक्रिया सुमित ये जानकारी देने के लिए। इस डील में एक शेयर है जिस पर नजर रखनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, HAL। जल्दी से बताइए ध्वनि, समय थोड़ा कम है, HAL पे क्या राय होगी अगले हफ्ते के लिए आपकी? जी बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पे ओवरऑल HAL को अगर हम देखते हैं तो स्टॉक को ऑलरेडी एक मोनोपोली स्टॉक है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्रीज की बनी हुई है। डिफेंसिव सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्ले स्टॉक्स है, जो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर भी किसी के पास डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। की अगर हम बात करें तो करंट लेवल से इसके अंदर एंट्री करी जा सकती है। इस स्टॉक को जनरली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 3615 के नीचे इसका स्ट्रक्चर वीक होता है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पे फर्स्ट टारगेट्स मिलते हैं तो ओवरऑल ये स्टॉक FO में भी है, तो हमें यहाँ पे FO डेटा ये सजेस्ट करता है कि 4200 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनता है, तक अलग शेयर में देखने को मिल सकता है। और फटाफट कुणाल और धोनी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपके लिए कौन, आपकी तरफ से वो कौन से पिक्स हैं जो अगले हफ्ते के लिए अच्छा है? अच्छा, समय थोड़ा कम है तो थोड़ा जल्दी बताइए। धोनी आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, मेरी सबसे पहली पिक जो यहाँ पे रहेगी वो सुवेन फार्मा में रहेगी। सुवेन फार्मा का यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, उसका हमें ब्रेकआउट मिला है, तो करंट लेवल से आपको सुवेन फार्मा में एंटर करना है। इसका जो टारगेट बनता है तो ऊपर की तरफ में 530 का टारगेट बनता है, स्टॉप लॉस जो है वो आपको 475 का रखना है। दूसरी पिक जो यहाँ पे है तो आज के सेशन में हमें देखी है और काफी सेशन से भी हम देख रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर में काफी एक अच्छा यहाँ पे बाइंग पावर देखने को मिला है। उसी में से ICICI प्रूलाई जो है उसका हमें वीकली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो आपको ICICI प्रूलाई में करंट लेवल से एंटर करना है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 520 का रहेगा, टारगेट जो है वो 610 का। आपकी तरफ से कौन से दो शेयर होंगे? लालपेट लेफ है, क्लोजिंग है 2042 का, 1990 1990 के SL के साथ बाय करके चलना है। 2081 2081 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक होगा 2146 2146 का दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक मेटल काउंटर्स है, मैंने ऑलरेडी टाटा स्टील और VEDL की बात कर ली थी, जिंदा स्टील मैंने इसीलिए बचा के रखा था, जिंदा स्टील में भी खरीदारी करके चलना है। 551 के अराउंड का क्लोजिंग है, 536 के SL के साथ खरीदारी करके चलना है। 563 का पहला टारगेट है, वो होगा 581 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शुक्रिया कुणाल स्टॉक्स बताने को। शो के शुरू में इसलिए मैं लगातार कहता हूँ, लगातार शो देखते रहिए, क्योंकि कुणाल ने कहा कि मैं एक शेयर बचा के रखा था। अगर शो अगर आप आखिर तक नहीं देखते तो ये पिक्स आपको पता नहीं चलता, जिंदाल स्टेनलेस स्टील जिसमें खरीदारी करने से लग रही है उन्होंने दिया। ध्वनि और कुणाल आपका शुक्रिया, अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे दीजिए इजाज़त। अब मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6 बजे कल की तैयारी में, तब तक के लिए नमस्कार।